हेलो दोस्तों, आज हम मानव विकास के कुछ सामाजिक कारकों की चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, मानव विकास एक वृद्ध घटना होती है। इस घटना के दौरान बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कुछ कारक होते हैं, कुछ जैविक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक कारक होते हैं और कुछ अन्य कारक होते हैं जो इस पूर्ण घटना को एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि मानव विकास के सामाजिक कारक। सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव विकास की एक छोटा सा परिचय। मानव द्वारा विविध सामाजिक व्यवहार की जो सुंदर अभिव्यक्ति होती है, वो बहुत सारे सामाजिक जो कारक होते हैं उनका परिणाम होती है। जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, जो कारक आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारे आपस में एक अंतक्रिया करते हैं और उस अंतक्रिया के परिणाम स्वरूप मानव एक अलग अलग प्रकार का, अलग अलग स्थितियों में विविध व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये कारक संयुक्त रूप से जब सारे मिलकर बच्चे के मनोसामाजिक प्रभाव क्षेत्र, यानी बच्चे का जो मुख्य रूप से दो प्रभाव क्षेत्र होते हैं, दो डोमेन होते हैं, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, यानी दोनों को हम इकट्ठा कहते हैं मनोसामाजिक। ये प्रभाव क्षेत्र है, उसको विकास को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ये सारे के सारे जो कारक हैं जिनकी हम आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहला कारक है परिवार, सामाजिक वातावरण, पारिस्थितिकी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, साथियों के समूह की परस्पर अंतक्रिया, शिक्षा एवं पड़ोस। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं परिवार से। परिवार सामाजिक स्थापना की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी इकाई होती है और शुरुआती इकाई होती है। बच्चे अपने जीवन के जो शुरुआती वर्ष हैं, अधिकतर अपने पारिवारिक परिवेश में रहकर ही सीखते हैं और ज्यादातर समय अपने परिवार में के संग बिताते हैं। यह परिवेश, यानी परिवार का जो परिवेश है, सामाजिक स्थितियों और अवसरों को प्रदान कर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आधार तैयार करता है। यानी जो फैमिली है, जो परिवार है, बच्चे का जो संपूर्ण विकास है उसके लिए एक बेस का प्रिपरेशन ये करता है, तैयार करता है। परिवार बच्चे को विकास के लिए एक शुरुआती मंच उपलब्ध कराता है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां बच्चा बाहरी दुनिया से निपटने के लिए जो व्यवहार के कौन कौन से स्वरूप हैं, वो कौन कौन से मूल्यों की आवश्यकता होगी, वास्तविकताओं यानी ग्राउंड रियलिटीज क्या है, क्या क्या कौशल, मानदंड और समायोजन आदि सीखता है। समायोजन यानी एक जगह से दूसरे जगह में एडजस्ट होना, समायोजित होना समायोजन कहलाता है। ये सारी चीजें बच्चा एक परिवार के प्लेटफॉर्म, एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से वो सीखता है। परिवार का आकार छोटा है, बड़ा है, भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक पहलू विकास को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। पारिवारिक स्थिति, अब पहले आकार की बात कर रहे थे, अब स्थिति आती है, जैसे आर्थिक स्थिति क्या है, कोई व्यक्ति परिवार में कोई लंबे समय से बीमार तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है परिवार में, अगर घर में कोई काम करने वाला है, उसका कोई तनाव उस पर, कोई स्ट्रेस उसके ऊपर है आदि, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो बच्चे के विकास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। परिवार व्यक्ति के जीवन के सभी पांच चरणों, शैशवकाल, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे को जीवन पर्यंत प्रभावित करना जारी रखता है। अब इसमें तीन दो चीज हम बांट लेते हैं। शैशवकाल, बचपन और किशोरावस्था में के दौरान जो बच्चा है अपने माता पिता के परिवार में रहता है, वो माता पिता का जो परिवार है उसके ऊपर उस बच्चे पर बहुत प्रभाव डालता है। और वयस्क और जब बुढ़ापा जब आता है तो वो अपना एक परिवार बना लेता है, वयस्कता में अपना परिवार बनाता है और बुढ़ापे में उसी परिवार में था, फिर उसके अपना स्वयं का परिवार उसके विकास पर प्रभाव डालता है। संक्षेप में अगर हम कहते हैं तो परिवार है बच्चे के मनोसामाजिक तर्कस को, जो तर्कस है जीवन के लिए आवश्यक तीरों से परिपूर्ण कर देता है, या तर्कस का मतलब है उसकी एबिलिटीज और तीर है उसके सारे ट्रेट्स, यानी इस तरह से परिवार कैसे बच्चे के तर्कस को पूरा करता है। अब यदि शैशव काल की छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि उसमें किस प्रकार एक माँ अपने छोटे से
बच्चे को फीड करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स लगाती है। आप इसको देख सकते हैं, ये इनको फीड करने की कोशिश कर रही है, ये बीच बीच में इसको छोड़ देता है, फिर ये उसको कुछ और उसका ध्यान बटाने के लिए किसी और को बुलाती है, साथ परिवार का दूसरा छोटा सदस्य उसको कहती है कि आप लो दूध तू पी लिए, वो पीना लेता है तो बच्चे को दिखाती है कि अगर नहीं पियोगे तो वो आपका दूध पी जाएगा। आप इस कारण बच्चे के अंदर ये मोटिवेशन मिलता है कि वो स्वयं भी दूध पीना शुरू करता है। ये फीडिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। यूं माना जाता है कि खास करके जो मदर्स आर द बिगेस्ट इन्वेंटर्स, माताएं सबसे बड़ा आविष्कारक है। माताओं ने वो इतनी अच्छी अच्छी बहुत सुंदर तकनीकों का आविष्कार किया है जिसमें बच्चे को फीडिंग के लिए, आप देखते कितना शानदार सा ये बच्चा इसको खेल रहा है और माँ इसको फीड करने की कोशिश कर रही है। ये है आपका पारिवारिक यानी स्थिति और ये था आपका शैशव काल। अगला हमारा है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब सोशल जो डेवलपमेंट उसको स्टिमुलेट कर देता है सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक वातावरण होता क्या है, इसमें जो तत्काल सामाजिक संस्थाएं होती हैं, आसपास की संस्थाएं होती हैं, जैसे कि पड़ोस हो गया, परिवार के सदस्य, साथियों का समूह आदि शामिल होते हैं और ये सारे चीजें मिलकर एक सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं। पारस्परिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशन, वो भी सामाजिक वातावरण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इससे बच्चा सही यानी सामाजिक वातावरण से बच्चा सही और गलत को पहचानने के भाव के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे विश्वास करना, सहयोग करना, साझाकरण आदि भी सीख जाता है। सामाजिक वातावरण ऐसे अवसर प्रदान करता है जो बच्चे को आत्म प्रतिनिधित्व सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव के लिए अन्वेषण, एक्सपेरिमेंट का मतलब यहां पर है एक्सप्लोर, खोजबीन और सामाजिक पहचान के विकास में मदद करता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि उसकी जो सोशल आइडेंटिटी है, सामाजिक पहचान है, वो सामाजिक वातावरण के कारण विकसित होती है और वहीं से शुरुआत भी होती है। यह बच्चे को उन कौशलों के विकास में सहायता करता है जो उसको अलगाव यानी आइसोलेशन अलग होने लगता है, कभी कभी अस्वीकृति लोग रिजेक्ट करते हैं या मानसिक संघर्ष निपटने में मददगार साबित होते हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं जैसे अलगाव हो गया, अस्वीकृति या मानसिक संघर्ष जिसकी मैंने चर्चा की है, उनसे निपटने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता होती है बच्चा उनको भी सामाजिक वातावरण से ही सीखता है। सामाजिक वातावरण प्रेरणा स्रोत यानी रोल मॉडल भी उपलब्ध कराता है, प्रेरणा स्रोत भी उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से बच्चा क्या सीखता है, अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है वो उसके विकास में योगदान देता है। और उसका फायदा क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल से क्या होता है, निर्णयों में स्वायत्तता के विकास के लिए मूलभूत घटक होते हैं ये चीजें। यानी अवलोकन कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपने निर्णयों में स्वायत्तता के विकास को शुरुआत करता है और उसको और विकसित करता है। यह तुलनात्मक रूप से यानी सामाजिक वातावरण तुलनात्मक रूप से जीवन के शेष तीन चरणों के ज्यादा से ज्यादा बचपन और किशोरावस्था के दौरान अधिक प्रभाव डालता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जीवन की जो पांच चरण है उनमें से दो चरण जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे बचपन और किशोरावस्था, इन दो में सबसे ज्यादा असर सामाजिक पर्यावरण का होता है। अगला जो हमारा कारक है पारिस्थितिकी, इसको कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। ये क्या चीज होती है, आसपास का जो वातावरण है उसके साथ व्यक्तियों की अंतःक्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिक पर्यावरण गतिशील होता है यानी उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। दुर्गानंद सिन्हा जी ने 1977 में बताया कि बच्चे की परिस्थिति को दो संकेंद्रित परतों यानी ऊपरी परत और आसपास की परत के संदर्भ में समझा जा सकता है। ऊपरी परत क्या है, इसको हम दृश्य परत भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं, घटक होते हैं इसके, जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, साथियों का समूह हो गया, ये सारी की सारी चीजें ऊपरी परत में आती हैं। और आसपास की परत कौन सी होती है, इसमें सामान्य भौगोलिक वातावरण आपका जो क्लाइमेट है वो, संस्थागत परिस्थितियां जैसे भारत संदर्भ में देखेंगे हम जाति हो गया, वर्ग इत्यादि, और सामान्य सुख सुविधाएं आपको जो मिलती हैं वो भी आसपास की परत में होती हैं। और ये दोनों मिलके ये परतें एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और फिर दोनों मिलकर और अलग अलग इंडिपेंडेंटली
बच्चे के विकास को आगे बढ़ाती है। यानी पारिस्थिति की भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का। चौथा हम देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसको अंग्रेजी में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं। ये होता क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा या श्रेणी होती है। यानी कि आपके पास की जो समाज में क्या प्रतिष्ठा है वो किसी कारण से भी हो सकती है। आपके पास पैसे के कारण और आपकी सामाजिक जो स्टैंडिंग है, सामाजिक आप जो रोल प्ले करते हैं उसके कारण भी हो सकती है। इसी को हम सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में समझ सकते हैं। अब इसको देखिए, अक्सर ये शिक्षा, आपकी शिक्षा कितनी है, आपकी आय कितनी है और आपका व्यवसाय क्या है, तीनों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इस बात की परिभाषा दी है। यह एक परिमाण और निर्णायक कारक होता है, मेजर, परिमाण का मतलब मेजर, जिसको मापा जा सके, और निर्णायक डिसीजिव कारक होता है जो बच्चे के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है बच्चे के विकास में। पोषण आपको कैसा मिलेगा, शिक्षा आपकी गुणवत्ता क्या होगी, जीवन की क्या गुणवत्ता होगी, आपका जो स्वास्थ्य देखभाल है, मेडिकल फैसिलिटीज है, वो कितनी आपको मिलती है, कैसी मिलती है, और अन्य भौतिक सुविधाएं, ये सारी सामाजिक आर्थिक स्थिति में आती है और ये सारी की सारी उन पर भी निर्भर करती है। प्योरली सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जीवन की गुणवत्ता अपनी अच्छी होगी, स्वास्थ्य देखभाल भी अच्छा होगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, पोषण भी अच्छा मिलेगा। बहुत सारे अध्ययनों ने यह स्थापित किया है, रिसर्च ने बताया है कि SES यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या सामाजिक आर्थिक स्थिति बाल विकास में एक प्रमुख कारक होता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर किसी की है तो आप देखेंगे उसका जो स्वास्थ्य है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों भी नकारात्मक मिलेगा, निम्न मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं होता है, वो शिक्षा से वंचित मिलेगा, उसका परिवार का कल्याण जो वेलबींग है वो भी नकारात्मक होती है, और ये सारी चीजें नकारात्मक मिलकर विकास को भी, जो बच्चे का जो विकास होता है ये उसको भी नकारात्मक रूप से ही प्रभावित करती है। SES बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में पहले से ही उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि वो मानते थे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण होता है, शिक्षा उसके अंदर जो पूर्णता है उसको और निखार देती है। शिक्षा मानव का निर्माण करती है, जीवन को साकार करने वाली और चरित्र निर्माण का एक उपकरण होती है। तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, मानव का निर्माण, जीवन को साकार और चरित्र निर्माण। यह सीखने, कौशल प्राप्त करने, नैतिकता का विकास, शिष्टाचार और मूल्य निर्धारण में सामाजिकरण का एक सटीक उपकरण होती है। यानी सोशलाइजेशन में भी शिक्षा अपना एक रोल निभाती है। शिक्षा अनुसंधान की अवधारणा को, यानी क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी की अवधारणा को जन्म देती है भाई, जिससे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा संतुष्ट होती है। बच्चा जब विद्यालय में जाना शुरू करता है तो वो बहुत सारे उसके अंदर एक इंक्वायरी, एक्सप्लोर करने की क्षमता उत्पन्न होती है शिक्षा के माध्यम से, और जिससे वो जिज्ञासु होता जाता है और उस जिज्ञासा को शांत करती है शिक्षा। शिक्षा मन और शरीर के विकास को पूर्णता की ओर ले जाती है। देख लीजिए, दोनों तरह से मन का और साथ में शरीर का भी विकास जो होता है उसको पूर्णता की ओर ले जाने का काम केवल शिक्षा करती है। उपयुक्त शिक्षा व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से संपूर्ण बनाने का प्रयास करती है। दोस्तों, मैंने यह शब्द इस्तेमाल किया, उपयुक्त शिक्षा केवल बुकिश किताबी शिक्षा नहीं है, संपूर्ण जो उपयुक्त शिक्षा है वो उसका मनोवैज्ञानिक रूप से संपूर्ण बनाती है। व्यक्ति साइकोलॉजिकली कंप्लीट हो जाता है उपयुक्त शिक्षा के माध्यम से, जो मानव को आत्म प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। शिक्षा रचनात्मकता और समग्र विकास को गति देती है। संक्षेप में, शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण, विनम्र और मानवीय बनाने का प्रयास करती है। अगला है साथियों के समूह की परस्पर क्रिया, यानी पीयर ग्रुप की आप इंटरेक्शन। बच्चे के संदर्भ में हम देखते हैं साथियों का समूह, जिसको हम PG शब्द कहेंगे, यहां पर लगभग समान आयु, सामाजिक आर्थिक स्थिति और हितों वाले लोगों का एक सामाजिक समूह होता है। यानी जिन लोगों का आयु लगभग समान हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति एक जैसी हो और उनके हित भी एक जैसे हो, वो सारे जो मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक सामाजिक समूह का निर्माण जो करते हैं, उसे साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप कहा जाता है। PG का सबसे दिलचस्प एवं प्रत्यक्ष प्रभाव किशोरावस्था के दौरान दिखाई देता है। यानी किशोरावस्था ही एक ऐसी स्थिति है जहां पर बच्चों पर, किशोरों पर साथियों के समूह का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यह व्यक्तिगत मान्यताओं,
सामाजिक मूल्यों, विचार स्वरूप और यहां तक कि शैक्षिक उपलब्धियों को भी प्रभावित कर देता है। साथियों का समूह, साथियों का समूह एक ऐसा ठोस आबद्ध संस्था होती है, या ठोस आबद्ध मतलब हार्ड बाउंड, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो किसी व्यक्ति के व्यवहार यानी उस समूह के जो सदस्य हैं उसके व्यवहार प्रतिक्रियाओं को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि वो अपना जो व्यवहार है कई बार अपना व्यवहार सामर्थ्यों के समूह का जो उनका ग्रुप है उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं, चाहे और रिक्वायरमेंट कैसी ही हो। तो ये एक समूह अंतक्रिया का किसानों के मनो सामाजिक विकास और सामाजिक क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पीजी सदस्य, बड़े मजे की बात है कि पीजी सदस्य उन प्रश्नों के उत्तर तक प्रदान कर देते हैं जो अन्यत्र अनुत्तरित रह जाते हैं। यानी बच्चों के मन में, किशोरों के मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको किसी से नहीं पूछ सकते, कहीं से नहीं ढूंढ सकते। हालांकि आज इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जो कि उनके पीजी के सदस्य जो होते हैं, पीर ग्रुप के सदस्य होते हैं, वो उनका उत्तर देते हैं। समूह के सदस्य, एक और मजेदार बात देखिए, समूह के भीतर आपसी संचार के लिए अपनी एक विशेष बोली और सांकेतिक भाषा का विकसित कर लेते हैं, जिससे अगर आपस में अगर बात करनी हो तो दूसरे लोग समझ नहीं पाते उन्होंने क्या चर्चा की है और क्या इशारा किया है। पीजी अंतःक्रिया यानी कि सामूहिक पीयर ग्रुप अंतःक्रिया मानव विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता का कार्य करती है। और अंतिम कारक पड़ोस, विकास की यात्रा के दौरान जन्म से लेकर कंसेप्शन से लेकर पंच तत्व विलीन होना जो है, ये पूरी विकास की यात्रा है। इसके दौरान इसको जो एक बचपन की एक स्टेज आती है, शैशव अवस्था के बाद बचपन आती है, इसको लगभग 3 से 12 वर्ष की आयु में इसको माना जाता है, पड़ोस के कारण पड़ने वाले प्रभावों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यानी जब बच्चा 3 से 12 वर्ष का होता है उसमें सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ोस का पड़ता है। पड़ोस बच्चे में समाजीकरण के एक सुकृत स्वरूप की शुरुआत करता है। यानी ऐसा कौन सा स्वरूप है समाजीकरण का जिसमें बच्चे को ढलना है और उसकी शुरुआत करता है पड़ोस। बच्चा पड़ोस से विभिन्न अमूर्त घटनाओं को सीखकर उनका तुलनात्मक अध्ययन करना सीख जाता है और उनके अंदर जिज्ञासा से अपने माता पिता से फिर पूछता भी है। पीयर ग्रुप की जो अवधारणा होती है, अपने साथियों के समूह की जो अवधारणा होती है, पड़ोस के साथ अंत क्रिया के समय परिभाषित हो जाती है। यानी कि इसका पीयर ग्रुप कैसा होगा ये पड़ोस जो है निर्भर एकदम से पहले परिभाषित कर देता है कि कैसा होगा। बच्चा अपने सामर्थ्य और सीमाओं की पहचान की अवधारणा, स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की पहचान की अवधारणा, भारी जीवन में उसको व्यवहार कैसा करना है, जिम्मेदारी की भावना, भावनात्मक प्रबंधन आदि पड़ोस के साथ अंतक्रिया द्वारा सीखता है। दोस्तों ये थे हमारे सामाजिक कारक जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये मेरे रेफरेंसी संदर्भ जहां से मैंने इनको लिया है, आप इनसे क्रॉस रेफर कर सकते हैं। और जो हमारा अगला जो विषय होगा वो होगा मानव विकास के सांस्कृतिक कारक। इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जल्दी हम फिर मिलेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट, कोई शक या कोई सवाल, आप मेरी ईमेल पर varmasujit@yahoo.com पर मेल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो मैं तुरंत आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा। इसलिए एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।